WhatsApp is very popular application software that is not only used in India but used all over the world. WhatsApp is very popular because of its regular updates. WhatsApp always try to make user experience more better and better. And that is why WhatsApp always provides updates. यानी WhatsApp अपने user experience को और अच्छा करने के लिए regular basis पे कई सारे updates provide कराता रहता है. पर यूज़र्स उन फीचर्स को जब तक जानेंगे ही नहीं तब तक उन फीचर्स का यूज़ कैसे करेंगे. जैसे रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऑप्शंस आपके सामने एडेड हैं. जैसे अपना लास्ट सीन आप हाइड कर सकते हो, यानी जब भी आप मैसेजिंग जब भी आप ऑनलाइन आते हो और अगर आप चाहते हो कि अपने लास्ट सीन को आप हाइड कर लें ताकि लोग जान ना पाएँ कि आप कब लास्ट टाइम आप ऑनलाइन आए थे और कब आपने लास्ट टाइम चैटिंग करी थी, तो आप उसको हाइड कर लेते हो. पर इसके साथ साथ और भी ढेर सारे नए फीचर्स हैं. जैसे आप लास्ट सीन को फ्रीज कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए दो दिन पहले मैं ऑनलाइन आया और मैंने क्या किया, अपने लास्ट सीन को फ्रीज कर लिया. इसके बाद अगर मैं ऑनलाइन आऊँगा भी तो जो भी मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में जाके मेरे ऑनलाइन लास्ट चेक करेगा तो उसको यही दिखेगा कि मैं दो दिन पहले व्हाट्सअप पे ऑनलाइन आया था. इससे क्या होगा, एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं ऑनलाइन आया कब, कब ऑनलाइन से चला गया. इसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे कोई आपके स्टेटस कोई आप किसी का स्टेटस व्यू करते हो और आप चाहते हो कि उसका स्टेटस, जैसे कि आपको पता है स्टेटस में क्या होता है, 30-30 सेकंड्स की वीडियोस या आप इमेजेस अपलोड कर सकते हो. अगर कोई फ्रेंड आपका स्टेटस अपलोड करता है और अगर आप चाहते हो कि आप उसका स्टेटस व्यू कर लो बट उसको पता ना चले कि आपने उसके स्टेटस को देख लिया है, तो ये भी फीचर एक अवेलेबल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ट्रिक्स हैं कुछ सेटिंग्स हैं जिनको अप्लाई कर सकते हो और जब भी आप किसी का भी स्टेटस व्यू करोगे उसको पता नहीं चलेगा. कोई फ्रेंड अगर आपका स्टेटस लगाता है, कोई अपलोड करता है और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर देता है, आप चाहते हो कि वो कितना भी डिलीट करे बट वो स्टेटस आपको दिखता रहे, तो आप ये भी कर सकते हो. तो ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशन ढेर सारे नए फीचर्स के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारे फीचर्स, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा अपने लास्ट सीन को हम फ्रीज कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जब भी कोई हमें मैसेज करे और जब तक हम उसे रिप्लाई ना करें तब तक उसको ब्लू टिक ना लग के आएगा, यानी कि उसे यही लगेगा कि आपने अब तक उसके मैसेज को रीड नहीं किया है. और जैसे ही आप उसको रिप्लाई कर दोगे आपका ब्लू टिक और ऑटोमेटिकली आपका जो उसका जो ब्लू टिक है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. और इसके साथ साथ और भी ढेर सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. तो हाय, दिस इज़ आमिर और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स की जिनका इस्तेमाल हम अपने व्हाट्सएप पे करके अपना व्हाट्सएप यूज़र एक्सपीरियंस और भी अच्छा और भी बेहतरीन बना सकते हैं. तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसके लिए हम. So now we are on our mobile screen. What do we have to do exactly? We have to apply some settings on our WhatsApp. Before starting the video, I would request if you have not watched so far that video, in that video I told how can we use two WhatsApp applications in the same mobile phone with the different numbers. तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक ही फ़ोन पे दो अलग अलग नंबर्स के साथ दो अलग अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, मैं कुछ ट्रिक्स कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ. तो आज के सारे के सारे ट्रिक्स जो होंगे, सारे के सारे जो फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, वो GB व्हाट्सएप पे यूज़ किए जाएंगे. तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे GB व्हाट्सएप नहीं है तो उसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए. वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा. अगर आप ये नहीं जानते हैं कि GB व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल किया जाएगा तो आप उस लिंक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. नाउ हम क्या करेंगे, हम अपने व्हाट्सएप यानी GB व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे. ओपन करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने GB व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ. तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने GB व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है. अब ओपन करने के बाद आपको साइड में ऑन द राइट टॉप कॉर्नर आपको थ्री लाइंस दिख रही हैं, आपको उस पर हिट करना है. ये मेन्यू आइकन है, तो जैसे ही आप इस पर हिट करेंगे तो हिट करने के बाद आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप पे GB सेटिंग्स का ऑप्शन है. सेकंड नंबर पे है रिस्टार्ट व्हाट्सएप, थर्ड नंबर पे है मैसेज अ नंबर, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप वेब, स्टार्ट मैसेजेस एंड सेटिंग्स.
तो आपको सबसे टॉप पे जीबी सेटिंग्स पे जाना है। जैसे कि आप जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आप जैसे उस पर टैग करेंगे, टैग करने के बाद आप देखेंगे सबसे टॉप को आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे टॉप पे फ्रीज लास्ट सीन। जैसे ही आप इसको ओपन कर देंगे, आप इस पर अप्लाई करेंगे इस ट्रिक, इससे क्या होगा, आपका लास्ट सीन फ्रीज हो जाएगा। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आप अपना लास्ट सीन फ्रीज करेंगे, इसका यूज़ करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स का भी लास्ट सीन व्यू नहीं कर पाएंगे, उनका लास्ट सीन आपको शो नहीं करेगा। तो इसको अप्लाई करने के साथ एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर आप अपना लास्ट सीन फ्रीज करेंगे तो आप भी अपने फ्रेंड्स का लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे। अगला ऑप, तो जैसे इसको हम ओपन कर लेंगे, आपका लास्ट सीन फ्रीज हो जाएगा। जिस टाइम आप इसको ओपन करोगे, लास्ट सीन हमेशा वहीं का शो करता रहेगा, तब तक शो करेगा जब तक दोबारा आप इसे डिसेबल नहीं कर देते हो। अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स, तो जैसे आप कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे, आप प्राइवेसी सेटिंग्स में, तो आपसे कह रहा है हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकंड ट्रिक्स, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग। आप इनमें से जो चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, आप ब्लू टिक्स को हाईलाइट नहीं शो करना चाहते हो कि मैंने आपने मैसेज रीड कर लिया है, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। आप हाइड सेकंड ट्रिक, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको आप हाइड कर सकते हो। आप टाइपिंग कर रहे हो या नहीं चाहते हो आप किसी को पता चले हो, तो आप हाइड टाइपिंग पे, रिकॉर्डिंग नहीं चाहते हो किसी को पता चले तो आप हाइड रिकॉर्डिंग पे, जिस पे क्लिक कर दोगे वो चीज़ हाइड हो जाएगी आपकी। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको आगे दिखेगा चेन प्राइवेसी सेटिंग्स का ऑप्शन। तो जैसे आप प्राइम वही सेम चीज़ें हैं, आप ग्रुप के साथ ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ग्रुप के साथ आप ये सारे के सारे फीचर्स को आप यूज़ करने वाले हो, टिक्स को यूज़ करने वाले हो। अपने आप नहीं चाहते हो ब्लू टिक्स आपको शो करे कि आपने उस मैसेज को रीड कर लिया है, आप सेकंड्स की ट्रिक को हाइड करना चाहते हो, आप माइक्रोफोन को हाइड करना चाहते हो, आप टाइपिंग को हाइड करना चाहते हो कि आप टाइप कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग को हाइड करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आपका ऑप्शन अगला है ब्रॉडकास्ट का, इसको भी लाल हम छोड़ देते हैं, अभी हम जाते हैं कस्टम प्राइवेसी पे। तो जैसे हम इस पे कस्टम प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे ऑप्शन देगा डिसेबल फॉरवर्ड, allow you to resend messages without forwarding tag, anti delete messages। इससे क्या होता है कि अगर आप other people cannot delete message for you, यानी इसको अगर आप ऑन रखोगे तो कोई भी दूसरा बंदा अगर आपको मैसेज भेजता है और वो अगर डिलीट कर देता है तब भी वो मैसेज आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगला है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, इसको आप ऑन करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी को रिप्लाई कर देंगे तभी उसके पास ये मैसेज जाएगा कि आपने उसके मैसेज को रीड किया है। यानी अगर आप मैसेज को रीड भी कर लेंगे और अगर आप उसको रिप्लाई नहीं देंगे तो ब्लू टिक नहीं आएंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन है एंटी हाइड व्यू स्टेटस। बेस्ट चीज़ ये है कि अपने आप कॉन्टैक्ट नंबर्स को नहीं बताना चाहते हो कि आपने उनका स्टेटस चेक कर लिया है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। इससे बेस्ट चीज़ ये होगी कि जब भी आप उनका स्टेटस व्यू करोगे उनको ये पता ही नहीं चलेगा आपने उनका स्टेटस देख लिया है। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अगर आप लॉक लगाना चाहते हो, पैटर्न यूज़ करोगे, आप पिन यूज़ करोगे या फिंगरप्रिंट्स यूज़ करोगे, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जिस पे टिक करोगे वो अप्लाई हो जाएगी। आप पासवर्ड चेंज करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0 रहता है, और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो ये जीबी व्हाट्सएप के जो भी फीचर्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट सीन फ्रीज करना, कॉन्टैक्ट्स के साथ प्राइवेसी ऐड करना, साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपको कोई मैसेज सेंड करे और वो डिलीट करे तो मैसेज डिलीट ना हो, तो उसको आपकी ये 3 ऑप्शंस हैं, एंटी डिलीट मैसेजेस का ऑप्शन, शो टिक्स आफ्टर रिप्लाई एंड डिसेबल फॉरवर्डिंग। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें व्यू स्टेटस एंड हाइड एंटी डिलीट स्टेटस, इसको ऑन कर देंगे तो कोई स्टेटस अप्लाई करेगा, इसके बाद वो डिलीट कर देगा अगर अपने टाइमलाइन पे, तो भी आपको दिखता रहेगा, यानी डिलीटेड मैसेज स्टेटस भी आपको दिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इस चीज़ों को अप्लाई करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके आप वो चीज़ें पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे।